आज हम बनाने जा रहे हैं वेज चूरा फ्राई। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी चूरा लिया। चूरा को हम पोहा भी कहते हैं, तो कोई सा भी पोहा यूज कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी लिया है, और यहाँ पर मैंने फूलगोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, और यहाँ पर मैंने हरा मिर्च को लंबे टुकड़ों में काटा है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ लहसुन लिया है, और एक प्याज को मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। तो शुरू करते हैं इसे हम बनाना। तो गैस पर मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें हम पोहा को डालेंगे और इसे हम मिलाते हुए ही भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चूरा है जो अच्छे से भुंजा गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो इसमें हम 1 चम्मच तेल डाले हैं, और इसमें हम डालेंगे हरा मिर्च और कुटा हुआ लहसुन डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे प्याज और बारीक कटा हुआ इसमें गोभी को डालेंगे, और इसे भी हम 2 मिनट तक भून लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 मिनट के तक हो गया है, तब हम ढक्कन से इसे ढक देते हैं ताकि गोभी थोड़ा सा पक जाए। तो यहाँ मैंने 3 मिनट टकला छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से गोभी है जो हल्का पक गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा मटर डालेंगे, और 2 मिनट तक हम मटर के साथ भी भून लेते हैं ताकि मटर भी थोड़ा पक जाए। तो यहाँ 2 मिनट और हो गया है, तो इसमें हम हल्दी पाउडर डाले हैं 1/2 चम्मच, और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो इसमें आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ऐसे हम मिला लेते हैं 2 मिनट और। तो यहाँ पर तो अच्छे से मैंने मसाला भून लिया है, तो इसमें हम चूरा को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेते हैं, और गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप शाम के वक्त चाय के साथ खा सकते हैं। इसमें जो लहसुन और इसमें गोभी का जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। एक बार मेरे तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।